पाकी जी, दो फिल्मों का आपस में लॉन्च किया गया, चना चोर गरम और राधे। सबसे पहले आप बताइए मुझे, कैसे लगी आपको इन दोनों के पोस्टर्स? पोस्टर्स बहुत ही बढ़िया है, समथिंग वेरी इनोवेटिव एज एन कॉन्सेप्ट, और एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे इंडस्ट्री में और एक गर्ल प्रोड्यूसर आगे आ रही है, तो मेरे लिए बहुत एक सम्माननीय बात लगती है जब कोई लड़की अपना स्टैंड एज एन एक्ट्रेस बनाए और उसके बाद में एज अ प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में आए, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे पहले अच्छे प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है, और सेकेंडली बींग अ गर्ल मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा डेडिकेटेड होती हैं अपने काम के प्रति, तो नो डाउट सर्वाइव लॉन्ग करके अच्छे से फिल्म बजट्स में बना के उसको रिलीज़ करेंगे, और भोजपुरी में जितनी रिक्वायरमेंट है फिल्मों की एज एन कमर्शियल, वो पूरा मसाला मुझे नज़र आ रहा है कि इन फिल्मों में है। नया कॉन्सेप्ट, नया थॉट, राधे में हाथी का होना और हाथी से लोगों का जो सेंटिमेंट जुड़ेगा, आई एम वेरी श्योर दैट फिल्म विल क्रिएट न्यूज़। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पोस्टर सुपर्ब हैं, कास्टिंग अच्छी है, और कॉन्सेप्ट बहुत नॉवल हैं जो भोजपुरी में अभी कभी आए नहीं हैं। सो आई एम श्योर ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़रूर अपना नाम करेंगी। एज एन डायरेक्टर रितेश जी पहली बार अपनी फिल्में लेकर आ रहे हैं, मैंने उनके साथ में बलमा बिहार वाला 2 किया था जिसमें वो एज अ प्रोड्यूसर थे, लेकिन मैंने उनकी ग्रोथ देखी है। जब वो प्रोड्यूसर थे तो भी उनका हर नरेशन के हर सेटिंग में उपस्थित रहना, म्यूज़िक बनते वक्त खुद क्रिएटिव में इंटरेस्ट लेना, एक अच्छी निशानी है प्रोड्यूसर की कि हर पार्ट के आपका कंट्रीब्यूशन हर एक लेवल पर आपने दिया है, उससे ये साबित होता है कि वो एज अ डायरेक्टर भी एक अच्छे डायरेक्टर साबित होंगे। टेक्निकली अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो भोजपुरी का उनका सेंस ऑफ फिल्म मेकिंग या भोजपुरी में जितनी रिक्वायरमेंट है एक फिल्म के लिए भोजपुरी मिट्टी से जुड़े होने से, उनका वो सेंस मैंने देखा है काफ़ी अच्छा है, जो मैंने लास्ट फिल्म में रियलाइज़ किया था। फ्रॉम दैट आई कैन जज के आई एम वेरी श्योर दैट दीज फिल्म विल मेक गुड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। फिल्म में कुछ आर्टिस्ट जिनके साथ आप काम कर चुके, जैसे अरविंद के साथ आपने बलमा बिहार वाला 2 किया था, जी जी, कैसे अभिनेता कैसे आर्टिस्ट हैं? कल्लू जी का बचपन से मतलब मैंने देखा है, हमने दयावान, हमारे भैया दयावान में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था, और उसके बाद में अब हीरो के रोल में उन्होंने बलमा बिहार वाला 2 में हमारे साथ में काम किया, एंड इट वॉज सो मच फन, सेट पे बहुत मस्ती मजाक, गाना बजाना, और उसी के साथ में काम या शॉट आए तो शॉट में वही डेडिकेशन एक सेकंड में पूरा अपना कैरेक्टर चेंज करके करना, ये बहुत कम एज में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं। सो आई एम वेरी श्योर दैट ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, और वो एज अ एक्टर बहुत नाम कमाएंगे, जितना सिंगर बनकर उन्होंने नाम कमाया है उतना वो एज एन एक्टर भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हर फिल्म में मैंने उनकी ग्रोथ देखी है, उनका काम करने का तरीका एक बच्चे की तरह है, और हर चीज़ को सीखने की ललक उनमें है, विच शोज़ दैट ही विल श्योरली ग्रो। पाकी जी आपके भी बड़े सारे फैंस हैं, अक्सर जब मैं इंटरव्यू करके ले जाता हूँ लोग पूछते हैं कि पाकी जी आप भोजपुरी फिल्मों में कब आएंगी, कब वो वापस फिल्में करेंगी, आएंगी भी या नहीं करेंगी भी या नहीं, क्योंकि आजकल आपकी व्यस्तता दूसरी तरफ ज़्यादा है जी, बिजनेस टाइकन की तरफ आपका व्यस्तता ज़्यादा है, तो क्या बता दीजिए मुझे कि सच में आप भोजपुरी फिल्में करने वाले हो, करने वाले हो तो कब करने वाले हो? मुझे लगता है बहुत जल्दी ऑडियंस मेरी अच्छी फिल्में फिर देख पाएंगी, और फिलहाल प्रोडक्शन के तौर पर मैंने काम शुरू कर दिया है स्लोली एंड स्टडीली, जैसे अच्छे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे वैसे मैं अपना काम शुरू करूँगी, और ऑडियंस की अगर यह चाहत है कि वो मुझे देखें तो वो मुझे ज़रूर देखेंगे फिर से एक्टिंग करते हुए वेरी सून। नहीं तो मैं पहले मैं क्या समझूँ कि पहले पाकी जी की प्रोडक्शन की फिल्में आएंगी या पाकी जी को फिल्म स्क्रीन पे पहले आएंगी? दोनों जी। विश करता हूँ कि आपकी ऑडियंस की जल्दी ही ये तमन्ना पूरी हो। थैंक यू सो मच पाकी, वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।